आप भी अपने फेसबुक पेज का कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं, आप अपने फेसबुक पेज का कैटेगरी इजी तरीका से चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर फेसबुक और यूट्यूब टिप्स के रिगार्डिंग वीडियो देखने के लिए मिलता रहता है। दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप अपने फेसबुक पेज को क्रिएट करते समय आपने किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया होगा, तो आप सोच रहे हैं कि मैं म्यूजिशियन हूँ या राइटर हूँ या आर्टिस्ट हूँ या हीरो हूँ या कॉमेडियन हूँ, तो आप अपने हिसाब से आप कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं क्रिएट हो जाने के बाद। फेसबुक पेज का कैटेगरी चेंज करने के लिए मुझे मोबाइल स्क्रीन का सहारा लेना पड़ेगा। फेसबुक पेज का कैटेगरी चेंज करने के लिए आपको फेसबुक ऐप्स खोल लेना है। जैसा कि फेसबुक ऐप्स खोल लेता हूँ। खोल लेने के बाद आपको वहाँ पर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो कि साइड में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सिंपल सा उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्विच का अकाउंट आ जाता है। यहाँ पर एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो अपने फेसबुक पेज को मैंने सिलेक्ट कर लें, यानी कि हमारा जो रजनीश कुमार का नाम से है वही पेज का नाम है, तो इस पर सिंपल सा क्लिक कर देते हैं। यानी क्लिक करने के बाद हमारा प्रोफाइल स्विच हो रहा है यानी फेसबुक पेज में। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। तो आपको यहाँ प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर कोने साइड में, तो यहाँ प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फिर यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो आपको नीचे साइड में आप जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं जो मेरा पेज का कैटेगरी है पर्सनल ब्लॉग है, तो मैं उसे चेंज कर वीडियो क्रिएटर रखना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है, नीचे ठीक साइड में आपको यहाँ पर एडिट पब्लिक डिटेल्स, तो इसको सिंपल सा क्लिक कर देना है। क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो आपको यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर, जो कि हमारा यहाँ पर भी दिखा रहा है पेज यानी पर्सनल ब्लॉग है, तो हमको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन भी आ रहा है यहाँ पर साइड में, तो सिंपल से उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। पर्सनल ब्लॉग है, यहाँ पर ऑप्शन भी आ रहा है एडिट करने का, तो हम पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारा आ गया, एक्टर आर्टिस्ट ब्लॉगर चीफ इस तरफ का बहुत सारा है, डिजिटल गेमर जर्नलिस्ट म्यूजिशियन फोटोग्राफर इस तरह से बहुत सारा है। तो आप अपने हिसाब से इसमें देख लेना है। इसमें नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पर सर्च करना, जैसे मैं वीडियो क्रिएटर हूँ, आप कॉमेडियन होंगे कॉमेडियन सर्च कर लेना। इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि वीडियो वी आई लिखने से आपको आ जा रहा है यहाँ पर देखने के लिए मेरा वीडियो क्रिएटर, तो हम सिंपल उस पर क्लिक कर देंगे वीडियो क्रिएटर पर। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेव कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह हो जाएगा। आप यहाँ पर भी शो करने लगा पर्सनल ब्लॉग की जगह वीडियो क्रिएटर, तो आपको क्या करना है, आपको नीचे आपको सेव का ऑप्शन आ रहा है तो उसको सेव कर लेना है। तो जैसा देख सकते हैं हमारा सेव हो गया है। अब आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है वीडियो क्रिएटर, जो कि पर्सनल ब्लॉग था इस तरह करके। तो चलिए हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर भी आपको देखिए यहाँ पर कैटेगरी जो कि चेंज हो गया है, यहाँ पर भी वीडियो क्रिएटर दिखाने लगा। आप इस तरह से आसानी से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको फेसबुक से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं। अगर यह जानकारी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।